डीएम रंजीत कुमार सिंह की पाठशाला की। डीएम साहब की पाठशाला में उन गरीब और होनहार बच्चों को जगह मिलती है जो दिव्यांग तो है लेकिन प्रतिभावान भी है। सीतामढ़ी के डीएम रंजीत कुमार की पाठशाला। ये पाठशाला खास है क्योंकि ये स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल क्लास है। सबसे तैयार, किसी से कोई पैर नहीं, ड्रेस नहीं। डीएम साहब यहाँ दिव्यांग बच्चों की तकदीर संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सीतामढ़ी के डीएम रंजीत कुमार की कोशिशों ने इन बच्चों में ऊंचे उड़ान के पंख लगा दिए हैं। डीएम साहब, गए से तुम बहुत ही अच्छा आदमी है, गए से तुम बहुत ही अच्छा बनो, फिर हम आएंगे। वैसे तो सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड का सर्वोदय विद्यालय 1993 से ही दिव्यांग बच्चों की जिंदगी संवारने की कोशिशों में जुटा है। इस विद्यालय में फिलहाल 50 दिव्यांग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन अब तक ये विद्यालय प्रशासन की नजरों से ओझल रहा। ओ कश्मीर न दूंगा, दिल मेरा कश्मीर, ओ कश्मीर न दूंगा। जब डीएम रणजीत कुमार सिंह को इस विद्यालय की जानकारी मिली तो उन्होंने खुद विद्यालय पहुंचकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इन लोगों के बीच इसलिए भी आया था कि बच्चों को मैं इतना एनर्जी दे दूँ, इतना उनको ऊर्जा भर सकूँ कि अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सके। और दिव्यांग होने के चलते उनमें किसी भी तरह का मन में किसी तरह का उनको लो फील नहीं हो। डीएम साहब की ये अनोखी पाठशाला सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने बच्चों को उपहार भी दिए और अधिकारियों को दिव्यांग बच्चों के इलाज के लिए विशेष निर्देश भी दिए। अगर आगे भी इन बच्चों को इसी तरह मार्गदर्शन मिलता रहे तो ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर सफलता की नई इबारत लिखेंगे। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। अब न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में।